अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगी। आज की जो वीडियो है वो है बेसिकली क्यू एंड ए सेशन, एंड टू मेक इट इंटरेस्टिंग मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप भी कर लूँ, साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी दूंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और कुछ मतलब ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा हुआ, तो मैं एक का ही जवाब दे दूंगी। की जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाली पैलेट मॉर्फी की 35 M। यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एंड सिल्वर काइंड ऑफ अ मेकअप भी कर। सबसे पहले जो सवाल जो मुझे आता है वो ये है कि आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट क्या है। मेरी एज जो है अभी मैं 22 ईयर्स की हुई है, डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1998, हाइट है 5'5" एंड वेट है 39। एंड काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करेंगे, बट This is what it is. आपका कैमरा कौन सा है, आपका लेंस कौन सा है? मेरा कैमरा जो है ना वो है सोनी का A6400 और ये है मिररलेस कैमरा बेसिकली। और जो लेंस मैं यूज़ करती हूँ वो है सिग्मा का 35 mm 1.4F। ये जूम लेंस नहीं है। आप कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे होते हो? मैं इनशॉट यूज़ करती हूँ। मैं अपने कैमरे में से सारी फाइल्स फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मेरे फ़ोन में अच्छी खासी GB है, मतलब 500+ GB है, तो वो फ़ोन में फाइल्स आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है, 2 घंटे लगता है। और उसके बाद मैं इनशॉट में डाउनलोड वो कर लेती हूँ एडिटिंग। तो कोई ऐसा कोई हाई फाई मेरे पास एडिटर नहीं है। फ़ोटोज़ की एडिटिंग मैं लाइट रूम से कर रही होती हूँ ज़्यादातर। एजुकेशन ये है कि मैं BBA कर रही हूँ फ्रॉम भेरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अब हम लगाएंगे कंसीलर अपनी लिप्स पे। अच्छा जी, मैं जो हूँ कहाँ रहती हूँ ये भी सवाल बहुत आता है। मैं कराची में रहती हूँ और मेरे 2 भाई हैं और मेरी कोई बहन नहीं है। सही है, और क्या सवाल है? मैरिड मैरिड हुई होती तो पता चल जाती, और अगर होगी जब भी होगी तो आप लोगों को बताऊंगी। दुआओं में याद रखा करें बस मुझे। मरियम परवेज़ को कैसे जानती हैं, और उनके साथ जो आपने वीडियो बनाई थी वो कब अपलोड करी थी? मरियम बाजी मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है यार। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट एंड बहुत बहुत हसीन इंसान है वो। दिल की भी बहुत अच्छी है। मैं किस तरह से बस मैं ना जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। अच्छा, उनके साथ वीडियो मैंने अभी हम लोग जब मिले थे तब हम लोगों को इतनी सुस्ती चढ़ी गई थी, वो कह रही थी कराची आके मुझे इतनी सुस्ती चढ़ गई है, फिर हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाई। और अब जब वो चली गई तो फिर अब इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमने वीडियो क्यों नहीं बनाई, वरना हमारा पूरा प्लान था कि हमने वीडियो बनानी है। वो आई, हमने काम करना था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है तो बस उसके लिए आपने इंतज़ार करना है। तो उसके ऊपर हमने काम किया और बस हम लोग फिर घूमने चले गए। हमने इवन अच्छे से पिक्चर भी नहीं ली, मतलब हम लोग इतना अपने मोमेंट्स को इन्जॉय कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, हमने खाना वाना खाया, हमने बातें इतनी की। और मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी, ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंड लाइक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन आई एवर हैव इन माई लाइफ। वीडियो तो नहीं है और मरियम बाजी की स्टोरी ये है। फिर जी सवाल आया है मेकअप किधर से सीखा। मेकअप मैंने खुद ही सीखा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता था, क्योंकि मैंने जो भी किया है वीडियोस बना के यूट्यूब देख के मैंने मेकअप सीखा। मैंने कहीं से भी कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया। कास्ट क्या है मेरी? कास्ट में मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ, मेरे फादर कश्मीरी हैं। अब जी मैं ये वाला जो ग्लिटर है वो यूज़ कर रही हूँ। लुक एट दिस। हुनैना के नाम की मीनिंग क्या है? हुनैना के नाम की मीनिंग है इट्स स्वीटनेस ऑफ हेवन। आपकी फैमिली सपोर्टिव है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आई मीन दे डोंट नीड एनी डिटेल्स फ्रॉम मी। वो उनको पता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। और पहले ही होता था कि वो थोड़े कंसर्न होते थे, क्योंकि ऐसी फील्ड है ऑब्वियसली कि इंसान को नहीं पता होता कि क्या है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सुनते हैं, बात समझते हैं। यू नो कुछ पेरेंट्स होते हैं ना बड़े रिजिड होते हैं अपने डिसीजंस और अपनी वैल्यूज़ के मामले में। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई खुली छूट है मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन ये है कि मेरी हर जायज़ ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया। ये सवाल थोड़ा सा जो है ऐसा है कि
मे बी बहुत सारे लोग इस बारे में सुनना चाहते होंगे, लोगों ने मेरे हिजाब और हिजाब स्टोरी, हाउ आई टेक हिजाब और ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा है। तो अच्छा हुआ ये था कि आई एम नॉट वो जो होता है ना प्रॉपर हिजाब करने वाला, ऐसा नहीं हूँ, मतलब लोगों ने ना ख़ुद ही समझ लिया है मुझे, और अल्लाह ताला बस मुझे तौफीक ऐसी दे कि मैं ये भी करूँ और बेहतर हूँ। हुआ ये था कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो सर पे दुपट्टा होता ही हमारे ना, तो वैसे ही मैंने जब अपनी वीडियोस बनाना शुरू की तो मुझे लगा कि हाँ इट्स लाइक अ गुड थिंग कि भाई सर पे दुपट्टा लेके फोकस से आउट हो गई मैं, सर पे दुपट्टा लेके मैं वीडियोस बनाऊंगी। मेरा वो पेज हैक हो गया था, फिर उसके बाद मैंने दोबारा एक और पेज बनाया, और फिर क्या हुआ जब मैं मेकअप करती थी तो ऑब्वियसली बाल इधर उधर आते थे, तो मैंने क्या किया कि उस दुपट्टे को बांध लिया कि भाई बाल सर पे ना आए, मतलब ऐसा कोई था नहीं कि मैंने ना बाल छुपाने या फिर ना वो हिजाब करना है, लोगों ने उसको हिजाब का नाम दे दिया। ऑब्वियसली जब आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई लोगों को मेरे पर ये स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक अ गुड थिंग, तो मुझे करना चाहिए। तो बस वही दुपट्टे वाली चीज़ है जो है ना इवॉल्व हो गई हिजाब को लेकर, लाइक इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हो, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। मतलब यू नो आई एम नॉट द प्रॉपर इंस्पिरेशन फॉर दोज जिनको ऐसे हिजाब निकाब करना होता है, मैं ट्राई करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं उनके साथ ही रहूँ, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी कोशिश चाह रहा होता है, अल्लाह ताला हर चीज़ में परफेक्शन नहीं चाह रहा होता है। और अगर आप 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहे, 1 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दो, या मुसलमान नहीं हो। हर कोई डिफरेंट लेवल पे होता है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, हर कोई कोशिश कर रहा होता है, बस उसके दिल में उसकी नीयत साफ हो और क्या चाहिए। कि आप उस बंदे को उस लेवल पे जज कर रहे हो जिस लेवल पे वो है ही नहीं, जैसे मुझे लोगों ने खुद ही टाइटल दे दिया, समझती हूँ किसी भी चीज़ का कोई टाइटल दे देने से वो चीज़ वो नहीं हो जाती, टाइटल के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप किसी को जज ना करो किसी भी अपेरेंस पे, मतलब चाहे वो कुछ करता हो ना करता हो वो उसके अपने मसले हैं, चाहे वो जैसे भी करता हो, समथिंग वेरी पर्सनल, इट्स समथिंग जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो या अब मैं इवन दुपट्टा भी कर रही होती ना तो लोग बोलते हैं क्यों कर रही हो भाई दुपट्टा, ये भी छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जो कुछ भी कर रहा है ना उसको करने दें, वो शायद कोशिश कर रहा है, वो शायद नहीं कर पा रहा है फिर भी कोशिश कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों के मामले में ना नहीं बोलना चाहिए मैं कहती हूँ। हाँ आप किसी को हिदायत देना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप दो हिदायत, लेकिन खुलेआम किसी को बेइज्जत करके आप हिदायत ही दे सकते हो। फाउंडेशन का शेड मेरे शेड से इतना ज़्यादा मैच कर रहा है कि पता ही नहीं चलता कि मैंने फाउंडेशन लगाई है, एंड दैट्स रियली 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 गुड थिंग। कंसीलर लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल डीप शीप बातें हो चुकी हैं, अगर किसी को देखो मेरी बात से बुरा लग रहा है या कोई बात बुरी लग रही है तो आई एम सो सॉरी, बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। बस यार मैं भी एक इंसान हूँ, सोशल मीडिया पर मुझे पता है कि बच्चा आप सोशल मीडिया पर होते ना तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, बट मैं इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हूँ, हो जाऊँगी वक्त के साथ साथ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। ये मैंने इस तरह से कंसीलर लगा लिया, इस तरह से कंसीलर लगाने से क्या होता है आपका फेस जो है ऐसा हो जाता है। हाउ आई मैनेज, मतलब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया मैम अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, How I manage my studies, how I manage my work, how do you look so cool despite of having this busiest routine? I think what I do is prioritize. मैंने एक चीज़ अपने अंदर रखी हुई है कि मैं अपने आप को जो है ना खुश रखती हूँ, मतलब सेटिस्फाई रखती हूँ, अगर मेरा काम करने का दिल नहीं करता ना तो मैं नहीं करती वो, फिर जिस चीज़ में मुझे खुशी नहीं मिल रही होती ना फिर वो मैं नहीं करती। हाँ वो अलग बात है, पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि उसमें खुशी नहीं मिल रही होती, लेकिन वो करनी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। कभी कभी कोई ऐसी कमिटमेंट होती है, ब्रांड से कमिटमेंट कर दी है, वो करनी पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा देखती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने छोड़ दी जस्ट बिकॉज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल मान नहीं रहा था,
और मैं बहुत थकन फील कर रही थी, मुझे अपने आप को ब्रेक देना था, दैट्स इट। तो मैंने देखा होगा कि मैंने यूट्यूबिंग छोड़ दी थी, इतने टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे स्ट्रेस दे रही थी इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ बनाना, ब्रांड की कमिटमेंट्स और ये वो। दूसरा सवाल ये है कि हाउ आई मिस स्टडीज़। मैं स्टडीज़ में एवरेज हूँ, मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं हूँ, एवरेज, नॉट सो ब्राइट। बचपन में आती थी मेरी पोजिशंस, वहाँ पढ़ाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे होती है? इंस्टाग्राम से देखो, इंस्टाग्राम जो है ना, कभी भी आपको पे नहीं करता है। जब अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, आपकी इंगेजमेंट अच्छी है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको बिलीव करते हैं, तो ब्रांड्स जो है ना आपको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी अनाउंसमेंट कर दें, हम अपने पेज पे बता दें अपने फॉलोअर्स को हमारे बारे में, या फिर आप हमारी चीज़ लें, उसको यूज़ करें, अगर अच्छी लगे तो आप उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू के वो फिर पे करते हैं। कि ऑब्वियसली आपको अपना प्लेटफॉर्म आप उनको दे रहे होते हो और लोगों को उनके बारे में बता रहे होते हो, प्रमोट कर रहे होते हो, तो इस तरह से अर्निंग होती है। वैसे इंस्टाग्राम खुद नहीं पे करता है, यूट्यूब पे करता है। यूट्यूब की जो अर्निंग है वो मैंने अपने व्लॉग्स में बहुत दफ़ा बताई हुई है। अभी किसी ने सवाल पूछा है कि आपके गोल्स क्या हैं? यार, एक अच्छा इंसान बनना, एक नेक और अच्छा इंसान बनना। मुझे एक एनिमल केयर फाउंडेशन खोलनी है, और बहुत सारे लोग इस आइडियाज़ पर हंसते भी हैं, लेकिन बस ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू होगा अगर मैं ये कर पाऊँगी। मुझे एक अपना स्टूडियो भी खोलना है, बिकॉज़ आई लव डूइंग मेकअप, और अभी मैं कर नहीं पा रही, तो मुझे एक प्रॉपर स्टूडियो करना है। और जी, मेरा लुक हो गया है कम्प्लीट, अब मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगा लूँ। और जी, यहाँ हमारा Q&A सेशन भी ख़त्म होता है, यहाँ मेरा लुक भी कंप्लीट होता है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। मुझे तो मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आया आज वीडियो रिकॉर्ड करने में भी। लुक एट दिस नेकलेस, हेयर ही मैंने एक फ्यूजन टाइप का मेकअप करने की कोशिश की थी, आई होप बन गया होगा। सो आप लोग मुझे बताएगा, आप लोगों को कोई भी सवाल ऐसा पूछना आप मुझसे पूछें, कॉमेंट्स में पूछें, मैं वीडियोज़ बनाऊँगी ऐसी, और क्या क्या कॉन्टेंट चाहिए वो भी बताइएगा। तो और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर ले। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।